आज हम बेसन की सेव बनाएंगे। इस सेव को कोई भी चाट में यूज कर सकते हैं और मुरमुरा के साथ में भी इसे मिक्स करके खा सकते हैं, और ये चाय के साथ भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो स्टार्ट करेंगे। 1.5 कप हमने बेसन लिया है, 150 ग्राम बेसन है। इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 3/4 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेना है। एक पिंच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालना है। इसे मिक्स कर लेंगे। 1.5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को बराबर से मिक्स कर लेंगे। आटे में तेल एकदम बराबर मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखी सेव बना रहे हैं तो इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डाउ रेडी करेंगे। इसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी डाल के डाउ बनाया है। 100 ml पानी अंदर गया है, डाउ हमें इतना लूज रखना है। और इसे 1 मिनट इस तरह से बराबर इसे फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं डाउ हमने चम्मच से ही रेडी कर लिया है। ये बेसन है, अगर इसमें इसे हाथ से करेंगे तो ये हाथ पे बहुत ही चिपक जाएगा, इसके लिए ये चम्मच से आसानी से रेडी हो जाता है। सेव बनाने के लिए हमने ये संचा लिया है। इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। एकदम बारीक होल वाली जाली ली है हमने, क्योंकि हम पतली सेव बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे। आटे को संचे के अंदर डालेंगे। पानी वाला हाथ जरा कर लेंगे। इस तरह से पानी वाला हाथ करेंगे तो आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आटा रेडी हो गया है। इसे हम ये संचे में डाल देंगे। इस तरह से हम आटे को संचे में डाल देंगे। चम्मच की सहायता से ही हमने बाउल में से सारा आटा ले लिया है और हाथ भी गंदा नहीं हुआ है। इस तरह से सारा आटा अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसे बंद कर लेंगे। अभी सेव बनाएंगे। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें सेव डालेंगे। गैस की फ्लेम लो करके सेव अंदर डालना है। गरम गरम भाप हाथ में नहीं लगे, उसका ध्यान रखना है। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। ये बबल्स होना बंद हो जाए उसके बाद हम सेव को टर्न कर लेंगे। सेव को फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत ही फ्राई हो जाती है। जब भी इस तरह से बबल होना बंद हो जाए तभी इसे निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी सेव को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने सेव को रेडी कर लिया है।
इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं।